इशारों में बातें करते इन बच्चों की जबान खामोशी है। कुव्वते समाज से महरूम ये बच्चे कुव्वते गोयाई भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, मगर ये बच्चे इशारों की जबान में अपनी बात समझाना खूब जानते हैं। कुव्वते समाज से महरूम इन बच्चों की दूसरी तमाम हिस बहुत तेज होती है। इन बच्चों को मुआशरे में ऐसे तालीमी इदारों की जरूरत होती है जहां ये बच्चे अपनी सलाहियतों को निखार कर जिंदगी में आगे बढ़ सके। मगर बदकिस्मती से ऐसे बच्चों की फलाह बहबूद के लिए ना तो मुनासिब ज़राए मुयस्सर आते हैं और ना ही अच्छे इदारे, इसीलिए ये बच्चे उम्र भर के लिए नजरअंदाज हो जाते हैं। केपीके का जिला चारसद्दा, जहां 4500 के करीब बच्चे कुव्वते समाज से महरूम हैं, यहां इन बच्चों की फलाह बहबूद के लिए अंजुमन नौजवानान चारसद्दा यानी ANC के अलावा कोई और इदारा नहीं, इसीलिए इन बच्चों के बेहतर आज और बेहतरीन कल के लिए अमरीकी इदारा बराए बैनल अक्वामी तरक्की यानी USAID के स्मॉल ग्रांट्स और एम्बेसडर्स फंड प्रोग्राम के जरिए ANC के हम कदम हुई। मैंने जब इन बच्चों से मैं खुद मिला, उनको देखा, मेरे दिल से ये आवाज़ निकली कि बस ये बच्चे मेरे हैं और मैं इन बच्चों का हूँ। ऐसी बच्ची हमारे चरसद्दा में है, कोई इदारा नहीं है, हम इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। उसी सोच से हमने ये इदारा शुरू किया। हमने एक तंजीम बनाई ANC अंजुमन नौजवानान चरसद्दा, वो तकरीबन 1988 में इस्टेब्लिश हुई। आखिरकार हम USAID उनके साथ हमारा राबिता हुआ, उन्होंने हमारी कैपेसिटी असेसमेंट की, बच्चों को देखा, स्कूल को देखा, इसके मैनेजमेंट को देखा और जो आइडिया मिशन था उस मिशन को देखा। तो USAID ने विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह वो प्रपोजल जो कि हमने इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए का वो मंजूर किया। इन खसूसी बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा का पढ़े लिखे होने के साथ साथ प्रोफेशनली ट्रेंड होना भी जरूरी होता है, इसीलिए USAID के इस प्रोग्राम के जेरे एहतमाम ANC असातिज़ा के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का इनकाद किया गया। बेसिक ऑफ स्पेशल एजुकेशन पे हमने जो ट्रेनिंग लिया उसमें हमने डिसेबिलिटी के चारों कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, वो इसलिए ताकि हम यहाँ आके फिर बच्चों की असेसमेंट सही तरह कर सकें। इसके अलावा जो सेकेंडरी लेवल के साइन हमने सीख लिए, साइंस के, मैथ्स के, होम इकोनॉमिक्स, ड्राइंग वगैरह के। ANC में जहाँ बच्चों को छोटी क्लासों से ही तस्वीर और इश्काल की मदद से इशारों की जबान सिखाना शुरू कर दी जाती है ताकि ये बच्चे बआसानी दूसरों की बात समझ सकें और अपनी बात समझा सकें। ये सुन नहीं सकती, जब ये कुछ ना कुछ सुनेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे तो स्पीच थेरेपी के जरिए हम उनको वही अल्फाज जो हम बोल रहे हैं हम उनके जहन तक पहुंचाते हैं। USAID स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम के तहत बच्चों को सुनने और बोलने में मदद के लिए जदीद स्पीच थेरेपी और आला समात भी फराहम किए गए हैं। एडमिटी क्लिनिक में हम बच्चों की हेयरिंग असेसमेंट करते हैं, उनका हेयरिंग लेवल मालूम कर लेते हैं और टिम्पानोमीटर के जरिए हम मिडल एयर में कुछ मसला हो तो वो मालूम कर लेते हैं और वीडियो आर्टोस्कोपी के जरिए हम मिडल एयर और इन एयर का और जो एयर ड्रम है उनका मसला तो वो मालूम कर लेते हैं। इन बच्चों को कम्युनिकेशन के इस जदीद दौर से हम आहंग करने के लिए इस प्रोग्राम के तहत ANC में कंप्यूटर लैब का क्याम मुमकिन हो पाया। क्योंकि कंप्यूटर आजकल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, एक नई चीज़ है, तो हम भी ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे बच्चे जो है वो उनकी स्किल डेवलपमेंट जो हो वो कंप्यूटर लिटरेसी पे हो जाए। यहाँ बच्चों और बच्चों की वोकेशनल स्किल्स में सिलाई कढ़ाई पर खास तवज्जो दी जाती है।
और इस सब का मकसद बच्चों को बतौर कामयाब इंसान मुआशरे का हिस्सा बनाना है। मैं 1999 से यहाँ टीचिंग कर रही हूँ। इस बच्चों के साथ वोकेशनल का काम भी और टीचिंग क्लास की जो काम है वो भी। मैं 12 साल 13 साल 15 साल तकरीबन इन लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती हूँ। इसमें मुख्तलिफ डिशेज और इसके अलावा जो डेकोरेशन पीसेज है वो बनाना सिखाती हूँ। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए ANC से फारगुत तहसील तालिबा के इदारे में बतौर टीचर शमूलियत ANC और USAID की सोच और अहदाफ का आकाश है। यहाँ पर मेरे 6 साल हो गए स्कूल में, मुझे खुशी मिलती है इससे बच्चों को पढ़ाने से, और मैं इन बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि एक दिन ये बच्चे भी बड़े होकर मेरी तरह टीचर बन जाएंगे। कुवते समाज से महरूम बहुत सारे बच्चे ANC से तालीम और हुनर सीख कर बतौर कामयाब इंसान माशरती धारे में शामिल हो चुके हैं। बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें निखारने के लिए बच्चों की नसाबी तालीम के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियों पर भी खसूसी तवज्जो दी जाती है। अमरीकी अवाम के तावन और ANC ने कुवते समाज से महरूम अनगिनत बच्चों के ख्वाबों को सच कर दिखाया है। 18 साल की उम्र है, पहले पढ़ती थी, अब टीचर है। सिर्फ ये डेथ है और बहन भाई नॉर्मल है, हमेशा के लिए रहना चाहती है यहाँ। ये इदारा मुझे बहुत पसंद है। USAID के प्रोजेक्ट के हवाले से मैं ये बात करूँ कि उस प्रोजेक्ट की वजह से हमारे स्टाफ के जो मोराल था ये बड़ी, बहुत बड़ी, उनके भी हौसले बुलंद हुए। USAID के और उसके जितने भी वहाँ पे जो उनके मुआइनीन हैं, जो चलाने वाले, उसके हम बेहद मशकूर हैं। और यूं USAID के स्मॉल ग्रांट्स और एम्बेसडर्स फंड प्रोग्राम और अंजुमन नौजवानान चारसद्दा कुवते समाज से महरूम बच्चों के लिए उम्मीदें नौ बन रहे हैं। आपका बहुत 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 शुक्रिया।